इस वक्त हम हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में मौजूद है और ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया है। अब इस यातायात के बाधित होने की जो पूरी खबर है वो हम आपको दिखाएंगे। अगर इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे तो लगातार जो वाहनों की लाइनें हैं वो एक लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर एक मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है धन सिंह रावत, उनका काफिला यहाँ पहुंचा है और इसी वजह से ये जो पूरा यातायात है वो बाधित हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इस सड़क में कौन कौन सी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और जो लोगों को कितनी सारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और लगातार उसके बावजूद भी जो गाड़ियां हैं, जो चालक है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों को रोड पर लगाकर चले गए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है हल्द्वानी की, ये देखिए, ये जो गाड़ी है जो देखिए उससे कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। और आगे चलते देखते कि कौन कौन से विभागों की गाड़ियां हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही की वजह से यहां पर ट्रैफिक बाधित हुआ है। आइए देखते हैं, तो दोनों ही ओर एक लंबा जाम लगा हुआ है। आगे चलते हुए देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं और कितनी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। अगर आप दूर तक नजर मारेंगे तो दूर तक आपको गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देंगी। ये नैनीताल पुलिस है, ये गाड़ी जो रोड पर खड़ी है ये नैनीताल पुलिस की गाड़ी है। इसके आगे भी एक ये आपको इनोवा गाड़ी दिखाई दे रही है और इससे आगे आपको लगातार लंबी लाइनें गाड़ियों की दिखाई देंगी। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये है जिला प्रशासन नैनीताल की गाड़ी और ये देखिए 112 है, जो कि लोगों को अगर दिक्कत या परेशानी अगर कुछ होती है तो ये सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, ये है आपकी उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी 112 मौजूद है और इसके पीछे भी पुलिस की गाड़ी है। ये देखिए, कुछ दिन पहले भी हम लगातार खबर दिखाते हुए आए और इसके साथ ही आप अगर पीछे देखते उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ ये गाड़ी है। सड़क पर अगर यातायात बाधित होता है इन गाड़ियों की वजह से तो किसकी जिम्मेदारी है, ये है पुलिस स्क्वाड उत्तराखंड सरकार लिखा हुआ है, पुलिस स्क्वाड। आइए आगे दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लगातार इन तस्वीरों को, इन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है या जो नेता है उनको कहीं ना कहीं इस विषय पर सोचना चाहिए। इस विषय पर लोगों को सोचने की आवश्यकता है। इन गाड़ियों में पहुंचे है कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का ये काफिला है और जो सांसद है स्थानीय अजय भट्ट वो इस गाड़ी में पहुंचे है। इस वजह से जो एक लंबा जाम आपको दिखाई दे रहा है ये तस्वीरें बयां कर रही है। आखिरकार उत्तराखंड सरकार या फिर जो इसके मंत्री है या फिर जो प्रशासन और नैनीताल पुलिस की एक बड़ी लापरवाही लगातार इस तरीके की सामने आती रही है। अपने सहयोगी श्रोती के साथ राहुल सिंह हल्द्वानी।